यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज का यूज करने के लिए चार्जिंग एक प्राइमरी कंसर्न है, इसीलिए गवर्नमेंट ने नो एक्सप्रेसवे चूज किए हैं जहां 6000 चार्जिंग स्टेशन सैंक्शन किए गए हैं और लगभग 3000 जल्द ही इंस्टॉल किए जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग में लगने वाले टाइम को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को कहा है। ऑटो फील्ड GDP में लगभग 14-15% का कंट्रीब्यूशन देता है, जो 25-30% तक जा सकता है और भारत को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने के लिए PM के विजन को सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई वेरियस स्कीम और सब्सिडीज से पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। उन्होंने आगे कहा कि एडवांस केमिकल सेल ACC जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का मेन कंपोनेंट है करंटली इंपोर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट का लगभग 30% बैटरी की ही कॉस्ट है। उन्होंने कहा कि अगर लोकल लेवल पर बैटरीज का प्रोडक्शन किया जा सके तो इससे EVs की कॉस्ट को काफी कम किया जा सकता है। लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाली लगभग 70% मटेरियल भारत में पहले ही अवेलेबल है। यूनियन मिनिस्टर ने कहा न्यूली इंट्रोड्यूस्ड PLI स्कीम के साथ गवर्नमेंट EVs के इस सेक्टर में 362 करोड़ पर गीगावाट तक की सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ACC के लिए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम से 42,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट और बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देगा। आपको गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।